हेलो क्लास सेकेंड, टुडे वी आर गोइंग टू डू इंग्लिश ग्रामर। द चैप्टर इज पोजेसिवनेस। पोजेसिव, पोजेसिव वर्ड्स कौन से होते हैं जिनके पीछे अप्रोक्सीमेट कॉमा एंड एस लगता है, तो इसको बोलते हैं पोजेसिवनेस। पोजेसिवनेस होती क्या है, मतलब ये जो बच्चा है इसके क्या इसको बिलोंग करते हैं। हरी हैज करली हेयर, मतलब हरी के हेयर क्या है, करली, तो इसको हम लिखेंगे क्या, हरीज हेयर, हरीज करली हेयर मीन्स हरी के करली हेयर है। अब ये दोनों जो सेंटेंस हैं इनका मीनिंग सेम है। इसका तो है हरी हैज करली हेयर, हरी के करली हेयर है, हरीज करली हेयर के हरी के करली हेयर है, तो मीनिंग तो सेम हो गया, लेकिन इसको वे ऑफ राइटिंग क्या हो गया, सेपरेट। These books belongs to Tina. ये books Tina को belong करती हैं। इसका मतलब तो ये हो गया, लेकिन अगर हम approximate command s लगाएंगे, possessive दिखाएंगे, तो ये क्या आएगा, These are Tina's book. ये Tina की books हैं। Okay. Lucky has a pet dog. इसको क्या लिखें, This is Lucky's dog. This is Lucky's dog. Means जो लकी है, has को काट के हमने approximate comma and s लगा दिया, तो इसे ये क्या दिखाएगा, We use s to show belongingness. We use s, हम s को use करते हैं approximate comma and s को use करते हैं belongingness दिखाने के लिए। चलो example करते हैं, you will get from that. First है ये एग्जाम्पल है, दिस इज मोहन हैज अ पेट कैट। मोहन हैज अ पेट कैट, मोहन के पास पेट कैट है। दिस इज मोहन पेट कैट। अब ये तो है कि जस्ट इंफॉर्मेशन है, बता रहा है कि उसके पास पेट कैट है, जो कि उनके सामने नहीं है, लेकिन दिस इज ये किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो वाली जो कैट है, दिस इज मोहन पेट कैट, ये मोहन की पेट कैट है। नेक्स्ट है, किरण हैज एन अंकल। किरण हैज एन अंकल, तो इसको क्या लिख देंगे हम, ही इज किरण्स अंकल, किरण्स अंकल। ओके, साम हैज अ ब्लू पेन, This is Sam's blue pen. Pinky has a doll. Pinky has a doll. क्या आएगा? This is Pinky's doll. This is Pinky's डॉल। ओके, नेक्स्ट है कुछ थिंग्स जो आपके फ्रेंड्स को बिलोंग करे, कोई भी एग्जांपल वो आपने लिखने हैं। जैसे एग्जांपल है मैरीज ड्रेस, तो कुछ ऐसी फाइव थिंग्स आपने लिखनी है जो आपकी किसी फ्रेंड को बिलोंग करे। जैसे दिस इज हरीज, हरीज पेन, दिस इज हरीज पेन, ये हरी का पेन है। राम्स शर्ट इज ब्लू, राम की शर्ट ब्लू है, राम की शर्ट ब्लू है। राम्स मीन्स राम की, इसका मतलब होता है की, अप्रोक्सीमेट कॉमा लगा दें तो इसका मतलब होता है की, ठीक है, हरीज। ओके, नेक्स्ट इज दीज आर मीन्स ये, आर मीन्स एक से ज्यादा चीजें हैं, दीज आर
परीज, दीज आर परीज, ये अप्रोक्सीमेट कॉमा है, छोटा सा कॉमा आएगा, दीज आर परीज शीट्स, दीज आर परीज शीट्स। ओके, कोई भी आप कोई भी चीज लिख सकते हो, दिस इज नॉट कंपल्सरी कि जो मैंने लिखा वही लिखना, आपने कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जो सेंटेंस की सेंस है वो एग्जैक्ट बननी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है रेखा, रेखाज, सो रेखा नहीं लिखोगे, कॉमा लगा के एस लिखोगे, रेखाज, रेखाज क्राउन, रेखाज न्यू क्राउन, न्यू क्राउन लिख दो की रेखा का, ये न्यू क्राउन है, रेखाज न्यू सी आर ओ डब्ल्यू एन। क्राउन क्या होता है, जो सिर पे देते हैं, जैसे मिस इंडिया बनती है तो उसके सिर पे देते हैं ना, उसको बोलते हैं क्राउन, मुकुट बोलते हैं उसे, क्राउन। दिस इज हीनास, हीनास रिंग, दिस इज हीनास रिंग, ये हीना की रिंग है। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एस विद द नेम ऑफ द पर्सन और एनिमल टू विच द थिंग बिलोंग्स। अब जैसे यहाँ पे है टीचर, तो द टीचर्स डायरी इज ऑन द टेबल, जो टीचर की जो डायरी है वो टेबल पे पड़ी है। अब ये है एलिफेंट, तो यहाँ पे लिख दोगे द एलिफेंट, द एलिफेंट्स, यहाँ पे आएगा अप्रोक्सीमेट कॉमा एंड एस, द एलिफेंट्स ईयर आर वेरी बिग, एलिफेंट के जो ईयर है बहुत बड़े हैं। द डांसर्स, डांसर लिखा है तो ये आएगा डांसर्स, कॉस्ट्यूम वॉज ब्यूटिफुल, डांसर्स का कॉस्ट्यूम था वेरी ब्यूटिफुल था। दिस बटरफ्लाइज, द बटरफ्लाइज अप्रोक्सीमेट कॉमा एंड एस, द बटरफ्लाइज विंग्स आर कलरफुल, सो अंकल है अंकल्स, फादर फादर्स, काओ काओज, नेबर नेबर्स, नितेश नितेश, डॉक्टर डॉक्टर्स, कोट अप्रोक्सीमेट कॉमा एंड एस। ओके, अगर आप अप्रोक्सीमेट कॉमा नहीं लगाओगे तो उसका मतलब तो हो गया बहुत ज्यादा, मीन्स काफी सारे, मोर देन वन। अगर कॉमा लगाओगे और फिर एस लिखोगे तो उसका मतलब होता है की, मतलब उसकी। ओके,